आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को भोजन में बहुत कम मात्रा में जहर भी देते थे ताकि वो शत्रु द्वारा किए जाने वाले किसी भी जहरीले आघात का सामना कर सकें। पानी में तेल दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो वह स्वयं अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। आपका प्रसन्न रहना ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, परंतु ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूर्य का इंतजार होता है उसी सूर्य का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है, अर्थात आपकी कीमत तब होगी जब आपकी आवश्यकता होगी। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। बादल के समान कोई जल नहीं होता, अपने बल के समान कोई बल नहीं होता, आँखों के समान कोई ज्योति नहीं होती और अन्न के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं होती। क्षमा करना और शांत रहना सीखें, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, परंतु नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खोदोगे और शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खोदोगे, अतः दोनों आवश्यक हैं। हमें बीते समय को लेकर पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। मनुष्य की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कोई व्यक्ति इन पांच कारणों की वजह से बर्बाद हो जाता है, क्रोध, डर, दुख, आलस्य और काम टालने की आदत। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में धन जाने से धन नष्ट हो जाता है, कम बीज से खेत तथा बिना सेनापति वाली सेना नष्ट हो जाती है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार तो वह है जो समस्या से टकराए और फिर उसे मिटाकर ही दम ले। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। एक कठोर व्यक्ति को वस्तु भेंटकर उसे संतुष्ट करें, एक कठोर व्यक्ति को हाथ जोड़कर और एक मूर्ख को सम्मान देकर तथा एक विद्वान व्यक्ति को सच बोलकर संतुष्ट करें। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और स्वयं का दिमाग मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। अहंकार मन को खा जाता है, प्राश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है और चिंता आयु को खा जाती है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। जो दोनों परीक्षा को पार कर जाते हैं वही सफल होते हैं। व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा हो तो तन ही मंदिर है, विचार अच्छे हों तो मस्तिष्क ही मंदिर है और यह तीनों अगर अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। जीवन में एक बार निश्चय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि पलटकर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ बदलता है, परंतु एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। अगर नास्तिकता बढ़ती हो तो समझ लेना कि दुख बढ़ रहा होगा, और अगर आस्तिकता बढ़ती हो तो समझ लेना कि सुख बढ़ रहा होगा। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मेरा कोई बुरा करे तो वो कर्म उसका और मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा। हर शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर शत्रु बना लो, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा।
अनुभव कहता है कि किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा नहीं करने का सबक सिखाएगा। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है, प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं, और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। विश्वास तो दर्पण है, जो तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जो जोड़ो तो पहले जैसा चित्र नहीं। कुछ समय स्वयं को भी दो, वरना ये दुनिया सारी उम्र छीन लेगी। जितने तुम चतुर होते जाते हो, उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। घर के झगड़े, किया हुआ परोपकार, बेइज्जती और पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें किसी अनजान को कभी मत बताना। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच बैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है, और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और ईश्वर के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तीन बातें चरित्र को नष्ट कर देती हैं, चोरी, निंदा और झूठ। अटूट है वो संबंध जहाँ दो व्यक्तियों के विचार मिलते हैं, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी कठोर नहीं बोलते। वास्तव में वे ही श्रेष्ठ होते हैं। लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपनी सफलता से उन्हें हिलाना दें। मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से सूल के समान उसी तरह भेदता रहता है जैसे अदृश्य कांटा चुभ जाता है। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है, कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे भी ज़्यादा सफल बने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ वह आपसे कुछ चाहता है। विद्यार्थियों का लक्ष्य केवल ज्ञान अर्जित करने पर टिका होना चाहिए, चाहे वह ज्ञान मित्र से मिले या किसी शत्रु से। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना अभिमान नहीं स्वाभिमान है। शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई नहीं छीन सकता और ना ही कोई चुरा सकता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में तथा मनुष्य के मन में जहर होता है। गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ना कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता। बुरे राजा के राज में ना तो प्रजा सुखी होगी और ना ही उससे कभी प्रजा का भला होगा। बुरे राजा से तो अच्छा है कि राजा ना ही हो। चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तीन चीजों पर दुनिया चलती है, अन्न, जल और मधुर वाणी। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि घड़ा भरने के बाद पानी व्यर्थ बहता है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिमाग लेकर जाओ क्योंकि वहाँ एक परिवार है। उन लोगों के साथ चेहरा बदल के रहने में कोई बुराई नहीं है जिनके खुद के अनेक चेहरे होते हैं। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। दूसरों के द्वारा आप पर किए गए विश्वास की रक्षा प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कमजोर व्यक्ति से शत्रुता ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी अपने राज दूसरों को मत बताएं। किसी को कभी भी सत्य बोलने से भयभीत नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्य उनका साथ दे या ना दे। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती।
पानी पर तेल, एक दुष्ट व्यक्ति को बताया हुआ राज, एक जरूरतमंद व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। सामर्थ्यवान पुरुष को कोई वस्तु भारी नहीं हो सकती। व्यवसायी मनुष्य के लिए कोई प्रदेश दूर नहीं हो सकता और मृदुभाषी व्यक्ति किसी का पराया नहीं हो सकता। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से अच्छा है। अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर सकता है, जो हजारों तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। जीवन में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और दूसरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना समय नष्ट करेंगे। दुष्ट व्यक्ति की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जब राजा मजबूत हो जाता है और राष्ट्र को नियंत्रित करता है तो चोर, आतंकवादी और देशद्रोही असुरक्षित महसूस करते हैं और असहिष्णुता की शिकायत करते हैं। बच्चे को उपहार ना दिए जाएं तो वह कुछ ही समय के लिए रोएगा, परंतु संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। जो अपना रहस्य और दूसरों का रहस्य अपने सीने में दफन कर लेता है, ऐसा मनुष्य किसी के आगे कभी नहीं झुक सकता। जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है और ना ही भविष्य। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। मूर्ख व्यक्ति सामने वाले को मानसिक रूप से बीमार करने का काम करते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, परंतु आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोग उस विश्व कुंभ के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। कभी किसी के समक्ष अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे आप पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं तथा मूर्ख बहस करते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। गद्दारों की टोली में यदि हाहाकार मचा हो तो समझ लो देश का राजा महान और चरित्रवान है और देश प्रगति पथ पर तीव्र अग्रसर है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। कुत्ते से ये 6 गुण सीखने चाहिए। अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता। जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाती है। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से आप हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। शत्रु चाहे कितना भी बलवान हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर उसका सामना करें तो उसे हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनके से बना हुआ छप्पर मूसलाधार बरसती हुई वर्षा को भी रोक देता है। वास्तव में एकता में बड़ी भारी शक्ति है। जब कोई धोखा दे जाए तो शांत रहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है। और अगर अग अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप स्वयं साक्षी भी बनोगे। किसी कार्य को शुरू करने से पहले ये 3 सवाल स्वयं से जरूर पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम होंगे? क्या यह सफल होगा? जब आप इन सवालों पर विचार करेंगे तभी आप पूरे मन से उस कार्य को कर पाओगे। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। दुष्ट पत्नी, शत्रु मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में निवास करना
ये मृत्यु के कारण है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। डरपोक लोग दुनिया के डर से फैसले बदल सकते हैं, पर एक बहादुर व्यक्ति ही अपने फैसले से दुनिया बदल सकता है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह पति की आयु कम होती है और पत्नी को घोर नरक का पाप मिलता है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। समाज में बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। ये आठों कभी दूसरे का दुख नहीं समझते। राजा वैश्या, यमराज अग्नि, छोटा बच्चा चोर, भिखारी और कर वसूल करने वाला, इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा। धर्म की रक्षा धन से होती है, ज्ञान की रक्षा अभ्यास करने से होती है, राजा की रक्षा मैत्रीपूर्ण शब्दों से होती है और घर की रक्षा एक कुशल गृहिणी से होती है। अग्नि गुरु, ब्राह्मण, गौ कुंवारी कन्या, वृद्ध और बालक, इन सातों को कभी भी हमारे पैर नहीं लगना चाहिए। अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते हैं। यह मत भूलें कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। मौत आ जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ना यह शरीर, ना कल्पना, ना आशा, हर चीज मौत के बाद दम तोड़ देगी। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। इतिहास साक्षी है कि जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है, अतः महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। योग्य लोग ना किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यही सोचकर चुप रह जाते हैं। रूठी पत्नी, लुप्त संपत्ति और हाथ से निकली भूमि वापस मिल सकती है, परंतु मनुष्य जीवन पुनः नहीं मिल सकता। अतः दान धर्म कर हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। उन लोगों से मित्रता कभी ना करें जो आपसे ऊपर या नीचे के दर्जे के हैं, ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी। सफलता तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन सफलता मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले पशु को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को ललकार से, यानी शक्ति दिखाकर काबू में किया जा सकता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये पांच प्रकार की माँ होती हैं। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे सुनाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। शिक्षा मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित मनुष्य हर जगह पर सम्मान पाता है। एक शिक्षा ही है जो कि सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद मेहनत। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उन युवाओं और विद्वान लोगों का होता है जो कहते हैं कि मुझे राजनीति से नफरत है। याद रखना, राजनीति ही किसी देश का भविष्य तय करती है। तपस्या हमेशा अकेले की जानी चाहिए। अध्ययन एवं अभ्यास दो लोग कर सकते हैं, गायन तीन लोग कर सकते हैं, कृषि चार लोगों को मिलकर करनी चाहिए और युद्ध हमेशा अनेक लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए। दान गरीबी को नष्ट करता है, अच्छा आवरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है तथा जानकारी भय को समाप्त करती है। जिस प्रकार सोने का परीक्षण उसे घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर किया जाता है, उसी तरह मनुष्य का परीक्षण भी उसके त्याग आवरण,
गुण और उसके व्यवहार से क्या जाना चाहिए। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है। शिक्षा, धन और सफलता धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। शुरुआत में हो रहे कम लाभ को देखकर प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना, जल की एक एक बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरता है। छोटा हो या बड़ा, जो भी काम करना चाहे उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। कोयलों का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है तथा तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। मृत्यु के बाद यही है जीवन का सत्य। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म ही भगवान तक जाते हैं। आलस्य से सावधान रहें। आप उसे आज का दिन देते हो तो वह आपका कल का दिन चुरा लेता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। बार बार धोखे को माफ करने वाला व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाता है। आपकी योग्यता आपको शिखर तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है, लेकिन शिखर पर बने रहने के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। चुनौतियां तुम्हारे समक्ष वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाएगी। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। सबके सुख में शामिल हो, दुख में साझेदारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ते, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। आय पर्याप्त ना हो तो व्यय पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। दुष्टों और कांटों से बचने के केवल दो ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। धन, मित्र, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे स्वतंत्रता दो, किसी की नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ भोजन करो, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। प्रतिदिन पढ़ो और चिंतन करो। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। शिक्षक गौरवशाली तब घोषित होगा जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों एवं परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा, और शिक्षक तब सफल कहा जाएगा जब वह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। अगर जीवन में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो ये ध्यान अवश्य रखना कि आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोहरा हमें सिखाता है जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई न दे, तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, लेकिन घर में माता पिता वो भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया है। प्रेम से भरी हुई आँखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीज हैं। एक राजा की ताकत उसके शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में होती है। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं की चर्चा करते हैं, और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है।
जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी हमारी क्षमता होती है। मुफ्त में सिर्फ माता पिता का प्रेम ही मिलता है, इसके बाद जीवन में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही चुकाना पड़ता है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस पर दया करो, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। जिस प्रकार संपूर्ण वन केवल एक ही सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी प्रकार एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। पुरुषों में नाई, स्त्रियों में मालिन, पक्षियों में कौआ तथा पशुओं में गीदड़ को धूर्त माना गया है। हमें इनसे बचना चाहिए, ये अनावश्यक ही किसी का कार्य बिगाड़ने में रुचि रखते हैं। यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी क्षमा करते हो तो आप बहुत ही दयालु हो, परंतु आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार फिर से क्षमा करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। सांप, राजा रानी, शेर ततैया, छोटा बच्चा, किसी दूसरे का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति, यह सब ऐसे प्राणी हैं जिन्हें कभी भी नींद से नहीं जगाना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना उचित है, ना कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने की। जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहां अन्न संचित रहता है और जहां पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहां लक्ष्मी स्वयं ही आकर विराजमान हो जाती हैं। यदि शत्रु में भी गुण दिखे तो उसे अपना लेना चाहिए। यदि आज आप दूसरों से ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो तो एक बात याद रखें, ईश्वर ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा।